नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। दिल्ली में साल 2005 में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत का फैसला आ गया है। आरोपी तारिक अहमद डार को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है, लेकिन जेल के दौरान उनके बिताए गए समय को ही सजा मान लिया गया है। इसके अलावा बाकी आरोपियों मोहम्मद रफीक शाह और मोहम्मद हुसैन फाजली को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। अदालत ने धमाकों के लिए किसी को भी दोषी नहीं माना है। आपको बता दें कि 12 साल पहले दिवाली के ठीक एक दिन पहले दिल्ली में सरोजनी नगर, पहाड़गंज और कालकाजी तीन अलग अलग जगहों पर हुए बम धमाकों में 50 लोग मारे गए थे और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस मामले में तीन अलग अलग केस दर्ज किए थे। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।